नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और इस वक्त महाराष्ट्र के एक अकोला से आ रही है एक बहुत ही बड़ी खबर। बता दें, यहां पर अकोला के पुराने शहर में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। डिप्टी सीएम कर रहे मामले की निगरानी। बता दें, हिंसक झड़प का कथित वीडियो सामने आ गया है, जिसमें दो समूह के बीच में एक दूसरे पर पथराव करते वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का मामला निकल कर आया और सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखे। महाराष्ट्र के अकोला जिले के पुराने शहर में शनिवार रात 11:30 बजे एक सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिसकर्मी समेत 8 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी तक इस घटना में 8 लोगों के घायल होने की और 1 लोगों की जान जाने की खबरें निकल कर सामने आ रही है। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और हिंसा को शांत कराने के लिए पुलिस ने लोगों के ऊपर आंसू के गैस के जो है गोले का इस्तेमाल किया है। हिंसक झड़प का कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें दो समूह के सदस्यों को एक दूसरे पर पथराव करते को देखा गया, जिसके बाद काफी ज्यादा मामला यहां पर गर्म हो गया, जिसके देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार की तमाम चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समाज में जो है अशांति लगाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जिसने भी शहर की शांति को भंग करने की कोशिश की है। तो बने रहे स्मार्ट न्यूज इंडिया के साथ। मिलेंगे अगली खबर में कुछ नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।